200 people feared dead in the explosions, over 1,500 wounded. Blast rocked the Bombay Stock Exchange, the Varali Passport Office, and the Air India building. Car bomb explosion reported at the Century Bazaar and a petrol bomb blast near the Shiv Sena headquarters. Blast also reported at the Central Hotel in Juhu, at the Jawhari Bazaar and the Plaza Cinema in Bandra. 1993, मार्च 12, मुंबई में 13 जगहों पर बम ब्लास्ट में 250 बेगुनाह लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा इससे पहले भारत में नहीं देखा था। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। इस विस्फोट में मारे गए सभी लोग बेगुनाह थे। हंसते खेलते ये लोग ये भी नहीं जानते थे कि अगले ही पल मौत कहीं उनका इंतजार कर रही थी। हंसते खेलते उन चेहरों पर आज मायूसी और उदासी है। इन लोगों का जीवन मरने से भी बदतर हो चुका है। ये किस पर विश्वास करें ये अब खुद भी नहीं जानते। अभी तक सो रही है, क्या हुआ? बुखार है क्या? कब से बुखार है? अरे बता तो सही। हाँ हाँ, मुझे बुखार है। प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। कोयम्बतूर ब्लास्ट केस में गुनहगार साबित हुए सैयद मोहम्मद दालानी आज भारतीय जेल से रिहा हो रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी लाइफ के 9.5 साल जेल में काटे हैं। कानून ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया है और आज वो भारतीय जेल से रिहा हो गए हैं। कोयम्बतूर से हमारे संवाददाता सतीश बात करेंगे। सतीश, बाकी लोगों को मोहम्मद सैयद के साथ कब रिहा किया जाएगा, क्या इसके बारे में लोगों को बताएंगे? नमस्कार, मैं सतीश इस वक्त कोयम्बटूर सेंट्रल जेल के सामने खड़ा हूँ। 1993 फरवरी में जो कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट हुए थे, उस जुर्म से सैयद मोहम्मद को आज बरी किया गया है। उनके समर्थन में आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात 9:30 बजे तक सैयद मोहम्मद और उनके सभी साथियों को रिहा कर दिया जाएगा। CBI की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह फैसला दिया है। सैयद मोहम्मद और उनके साथियों ने बेगुनाह होते हुए भी 9.5 साल तक जेल की सजा काटी। प्रज्वला, देश के लोग इसे सारे समुदाय के सामने एक मिसाल मान रहे हैं और यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। सुनिए जी, ये पैसे अमीना को दे दीजिए। तुम दे दो वो ना। कह रही थी कि वो दोपहर में चली जाएगी। अरे तुम ही दे दो ना। नहीं नहीं, आप ही दे दीजिए। तुम्हें ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए बेटा। अमीना आज ही जाना है। आज ही 10 बजे की ट्रेन है, एर्नाकुलम से जा रही हूँ। 4 बजे तक कोयम्बतूर पहुँच जाऊंगी। मैं जाके वहाँ से अपने पति को लेकर आती हूँ। ठीक है, हो सके तो खर्च के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ ये लो, 16,000 रुपए हैं, उधार लिया है मैंने। अगर और पैसा चाहिए तो बशीर से ले लेना। मुझे वो हमेशा 5 से 10,000 रुपए दे देता था, कभी उसने पैसों के लिए ना नहीं किया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो चला गया, लेकिन आगे क्या करना है? लेकिन इस बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम वहां जाओ मेरी प्यारी बेटी। हाँ पापा। ये लो, जाकर मिठाई खा लेना। ठीक है। हेलो, आज बड़ी देर कर दी। अरे आ गया ना, चलो। चलो आओ आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? जी साहब, काम पर जा रहा हूँ। हम लोग म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, लॉरी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम विजय है, ये समीर है और वो पीताम्बर। तुम्हारा घर कहाँ है? कावालम। तुम्हारा? पास ही में। तुमसे पूछूं तब बताना। पास ही में सर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चलो। हाँ। पुलिस एक मिनट, हाल तुम वापस चलो। फिर क्या हो गया? ए इधर आओ। तुम नहीं, उसे भेजो, उसने मुस्लिम नाम बताया है। ए इधर आओ। तुम्हें बुला रहे, तुम दोनों जाओ। तुम्हारा घर कहाँ पर है? यहीं पास में। पास में कहाँ? वो सामने वाला घर। घर का नाम? आर के विला। पिता का नाम? मेरी यहाँ पर शादी हुई है, ये पत्नी का घर है। कुंजू मोहम्मद की लड़की से मैंने शादी की है। कुंजू मोहम्मद क्या काम करते हैं? वो विदेश में ऊँट संभालते थे, पर अभी वो बीमार पड़े हुए हैं। उसी के बेटे को आंध्रा में मिलिट्री वालों ने गोली मार के उड़ाया था ना? तुम्हारा नाम क्या है? समीर। पूरा नाम बताओ। मोहम्मद समीर। यहाँ कितने सालों से रहते हो? 4 सालों से रहता हूँ। तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है? पालकाडू के कुणाल मन्नू में। ये मेरे शौहर हैं और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। पालकाडू से अल्फला में क्यों आया है? एक कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसी में काम। ये बिल्डिंग का काम कर रहे थे और कुछ ही दिनों से यहीं पर रहने लगे। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? शिवराम मिस्त्री, आला तौर में। उस आदमी से कैसे पहचान हुई? वो मुझे गांव में जिस साइट पर काम कर रहा था उसी साइट पर वो मिला था। फिर म्युनिसिपैलिटी में कैसे काम मिला? तो क्या, म्युनिसिपैलिटी वाले तुम्हारे घर पर आए थे तुम्हें काम देने के लिए? तुमने इससे प्यार करके शादी की थी ना? शादी प्यार करके नहीं किया सर, जब ये भूखी पेट थी तो मैंने इसकी मदद की थी। तो मुझे लगता है कि तुम इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। तुम कौन सी मदर टेरेसा हो जो भूखे लोगों की मदद कर रहे हो? समीर, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इस देश की कितनी लड़कियों की मदद की है? तुम उस मरहूम शाहजहां को कैसे जानते हो? शाहजहां को कितने सालों से जानते हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, सच में उससे कभी नहीं मिला सर। फिर शादी से पहले तुम नहीं जानते थे कि वो एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी है और तुमने उसकी बहन से ही शादी कर डाली? नहीं, शादी होने से पहले मैं उसके बारे में नहीं जानता था। मेरा नाम फैजल अहमद है। देश में आजकल बहुत लफड़ा चल रहा है। समीर, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना? सारे धर्मों और जातियों में भेदभाव होता है, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में सब बराबर हैं। सच बताओगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, वरना देशद्रोह की सजा क्या होती है तुम जानते हो ना? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। इस कायन गुलम में रहने वाले समीर का परिचय आपसे किसने करवाया? नहीं सर, मेरे शौहर का घर पालाकाडू के कायन गुलम में है। अब तो कहानी बहुत आगे निकल गई है, तो क्या ये पालाकाडू से तुमसे रोमांस करने के लिए यहाँ आ गया था? समीर ने हमसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम्हारे छुपाने से अब कोई फायदा नहीं। समीर कौन सा सच आपसे खुल के बताएगा? मैं और मेरा परिवार भूख से मरते थे, ये सोच कर घर से बाहर कदम रखने में डरते थे कि वो दुकान वाला हमें डांटेगा। ये सारी बातें इन्होंने आपको बताई? आप लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले हैं इसलिए आप जनता को परेशान करते हैं। दिन रात देखे बिना किसी भी वक्त घर से उठाकर यहाँ इंक्वायरी के लिए लेकर आते हैं। आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है? मेरे भाई को मिलिट्री वालों ने गोली से मार दिया,
सबने कहा वो गुनहगार है, देशद्रोही है, और हमने मान भी लिया। क्या ये हमारी गलती है बताइए? मेरे अब्बू ने कहा कि अगर वो देशद्रोही है तो फिर वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसे घर में मत लाना, उसकी मैयत में भी हम शरीक नहीं हो सके। इससे बड़ी तकलीफ की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मेरे अब्बू ने बैंक से लोन लिया, लोगों से उधार लिया उसे पढ़ाने के लिए, वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं। इसके बावजूद भी आप लोग हमें तंग कर रहे हैं। हमारे परिवार ने ना कभी देशद्रोह किया है और ना कभी करेगा। क्या हमारी यही गलती है कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं? समीर से तुम्हारा पहला परिचय कैसे हुआ था? किसने और कहां पहचान करवाई थी? शाहजहां की बॉडी मेडिकल कॉलेज वाले लेकर चले गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, बॉडी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं यहां आपके पिताजी को चाय देने आया हूं। दिवाकर मास्टर ने बताया, इसीलिए मैं आया हूं। कौन है आप? मेरा नाम समीर है, मैं पालाकाडू से हूं। मैं दिवाकर मास्टर को पहचानता हूं, वो पहले हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई। अभी अभी मैं कहां हूं? हमें पुलिस वाले बुलाकर लाए थे, चलो घर चलते हैं। अल्लाह। शाहजहां को आंध्रा में गोली लगकर मरे 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन ये समीर हमसे कह रहा है कि वो उनसे मिला ही नहीं है। सर, ये शाहजहां को लापता हुए कितना समय हो गया? सर, पिछले 1.5 महीने से। 1.5 महीने से शाहजहां कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो पिछले 1.5 महीने से आंध्रा में था, ये स्टेट पुलिस का स्टेटमेंट है। वहाँ वो मारा गया था, वो एक एनकाउंटर था। सर, हमें जो समीर ने एड्रेस दिया है, पालाकाडू में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है। लोकल पुलिस का कहना है कि उसकी बात सच है, उसको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन वो 9 साल से अपना गांव और घर छोड़कर चला गया है। वो यही है, हमें पता करना होगा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम कमाल की लड़की हो, तुम मुझसे बिना मिले ही चली गई। मैंने तुम्हें कई बार आवाज दी थी। हटो, चलो मुझसे बात मत करो। क्या हो गया? यहाँ से माँ देख रही है। विजय, तुझे इसे क्या काम है? चल जा यहाँ से। जैसे गुड़ के आसपास मक्खी मंडराती रहती है, तू भी इसके आसपास मंडराता रहता है। ए शामला, तू इस तरफ आ, चल। और तू किसी पेड़ के पीछे जाके गाना गा, चल जा। सैल माँ का काम हमेशा इस लड़की को डांटना ही है। महाभाग्यशाली, वाह रे वाह। पुलिस को इसे पकड़ कर ले जाना चाहिए। बेचारे समीर को लेके गए, सच में यही आतंकवादी है। सही कह रहा हूँ ना भाई? अरे भाई, ये नाम का कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। अभी आतंकवादी विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वर्गिस को गिरफ्तार कर लिया, शशि को गिरफ्तार कर लिया। ये बातें सुनने में अब कोई मजा नहीं आता। अब मेरी सुनो, अब्दुल रजाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आतंकवादी मजीद को गिरफ्तार कर लिया, निसार को पुलिस पकड़ के ले गई। इस तरह की बातें सुनने में ही मजा आता है। हेलो, मेरा नाम निसार है और मुझे बदनाम मत करो। मेरे दिमाग से निकल गया, तुम्हारा नाम भी तो निसार ही है। आपका नाम निसार है? हाँ, यही नाम है मेरा। पहले दूसरी जगह काम करता था, अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। पता चला आपको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। हम मुसलमान लोग इनके लिए मजाक बनकर रह गए हैं। हमें या हमारे रिश्तेदार को अगर पुलिस पकड़े तो कोई साथ देने वाला नहीं। ये मत समझना कि विजय का मजाक सच में मजाक है, समझ गए ना तुम? वो विजय और थॉमस मजाक कर रहे थे ना। वो
वो उन लोगों के समझ का मजाक है। ये मजाक करना उनके समाज की आदत हो गई है। वो सारे के सारे कमीने हैं। छी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जात पात धर्म वगैरह से मजाक नहीं करते हैं। ओह, लग रहा है तुम्हें प्रोग्राम बताना पड़ेगा। समीर भाई, तुमने कुरान पढ़ी है ना? हाँ, मैंने पढ़ी है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये उसका घर है जिसके साथ मेरी बेटी की अगले महीने शादी होने वाली है। ये लो, कुरान के सारे कलमे जानते हो ना? और वो तुम्हें याद है कि नहीं? सारे कलमे जानता हूँ, सुनाओ क्या? हमारे देश ने हमें बिल्ली की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है समीर भाई। चाहे पुलिस वाले हों, चाहे मिलिट्री वाले हों, या फिर मंत्री हों, सभी के सभी हमारे समाज से नफरत करते हैं। मुंबई में जैसा हुआ था, लगता है सभी जगह वैसा करना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, केला खा। मैं तुम्हें 2-3 कैसेट देना चाहता हूँ, सुन लेना, किसी से बोलना मत। इन्हें सुनने के बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। हम हमारे देश में आजाद हैं कि नहीं? हमारी मस्जिद तोड़ते हैं, हमारे लोगों को तंग करते हैं, ऐसा किस देश में होता है बताओ? निसार, मैंने एक किताब पढ़ी थी, हिंदुओं के लिए नेपाल हिंदू राज है, क्रिश्चियन के लिए रोम, और मुसलमानों के लिए सऊदी अरब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहां सब मिलकर एक साथ रहते हैं वो है अपना इंडिया। ये बात आपकी सच नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि उस्मान भाई अब ठीक हो जाएंगे। होश में आने के बाद वो शाहजहां और समीर का नाम ले रहे थे। अमीना 2-3 बार एसटीडी बूथ से फोन कर चुकी है, वो यहाँ आने की जिद कर रही थी, लेकिन अब पिताजी ठीक है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसे बता देना। मास्टर जी, आप ही को समझाइए ना। यहाँ पर कोई नहीं है क्या? आ जाएंगे। एक फोन करना था। कर लीजिए। ये लो, ये नंबर है। हेलो, कौन है? ठीक है, मैं देता हूँ। हाँ, अमीना, तुम्हारा फोन। अमीना, मैं दिवाकर मास्टर बोल रहा हूँ। बशीर जी, पोला जी चले गए हैं, उनके आते ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। पिताजी की तबीयत अब ठीक है, और सुनो, जल्दबाजी में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये लो, अब तुम समीर से खुद ही बात कर लो। हेलो, नहीं, वो पोलाची गए हुए हैं। बेटा, तुम अंदर जाओ। ठीक है। स्वामी, स्वामी, उस्मान भाई बुला रहे हैं। शाहजहां चला गया, वो चला गया तो क्या हुआ? तुम हो ना बेटा, बैठो बेटा। उसने कोई गलती नहीं की थी, वो बहुत ईमानदार था, पांचों वक्त का नमाजी था, वो बहुत अच्छा लड़का था, पर लोगों ने उसे फंसा कर मार दिया। समीर, मेरी उम्र 65 साल की है, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है, क्या करूं? अल्लाह, क्या करूं? अल्लाह,
अब मुकाबला शुरू हो रहा है। इसमें क्या करना होगा कि आंख पर पट्टी बांधकर हाथी की पूंछ बनानी होगी। इस खेल में जो जीतेगा उसे कप मिलेगा, लेकिन पूंछ सही जगह पर बनानी होगी। वो देखो वो कहां पर पूंछ बनाने जा रहा है, आप लोग गौर से देखिए। दर्शकों का रोमांच बढ़ते जा रहा है। अब देखना यह है कि शाहजहां कहां पूंछ बनाने जा रहे हैं। सही जगह पूंछ नहीं बनाया, इसलिए शाहजहां हार गए। अब हाथी की पूंछ बनाने के लिए जा रहे हैं कुंजू अहमद भाई। अब ये देखना है कि ये सही जगह पूंछ बनाते हैं कि नहीं। इनका प्रयास जारी है। अब देखिए, आप सभी लोग गौर से देखिए कि ये सही जगह पूंछ बनाते हैं कि नहीं। कुंजू अहमद ने सही जगह पूंछ बना दिया, इसलिए विजेता कुंजू अहमद हुए। आज का ये खेल बहुत ही रोमांचक रहा। कुंजू भाई ने सही जगह हाथी की पूंछ बनाई, इसलिए आज इस खेल के विजेता कुंजू भाई अहमद। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया है वे लोग कमेटी के ऑफिस में आकर अपना अपना चंदा जमा कर दें। नृत्य और संगीत का रंगारंग कार्यक्रम देवी विलास स्कूल ऑडिटोरियम में शुरू हो रहा है। आप सभी का वहां स्वागत है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। खेलो तो ऐसे खेलो, छक्के छुड़ा देना, दुश्मन के दिल को पल में चुरा लेना। झगड़ा न करना, लफड़ा न करना, अच्छे से खेलो, दिल लगा के खेलो। इनकी बातें पूरी सुन लो, दिल की बातें पूरी, इनकी बातें पूरी सुन लो, दिल की बातें पूरी। प्यार से मिले प्यारे तुझे जीत, अरे प्यार नहीं कुछ भी नहीं, मान ले रे बंदे। मित मिले जो प्यार करो और बढ़ेगी प्रीत, अरे प्यार कर ले छोड़ दे तू सारे गोरख धंधे। प्यार की नदी में तुम प्यार से बह जाना, मिल जाएगा कभी तो कहीं कोई किनारा। खेलो तो फिर ऐसे खेलो, छक्के छुड़ा देना, अरे दुश्मनों के दिल को एक पल में चुरा लेना। रहना तुम और मुस्कुराना, प्यार से बड़ा क्या दुनिया में होगा, प्यारे का सुख तो है सबसे अनोखा। कुछ भी चाहे हो जाए प्यार हमें करना है, कोई डराए तो कभी नहीं डरना है। खेलो तो फिर ऐसे खेलो, छक्के छुड़ा देना, अरे दुश्मनों के दिल को एक पल में चुरा लेना। जीतना है तुझको नहीं हारना है, सुन ले सर छोरे गोरे गोरे देखो रहे हैं यहाँ पे सर। ये खेलो तो फिर ऐसे खेलो, छक्के छुड़ा देना, अरे दुश्मनों के दिल को एक पल में चुरा लेना। प्यार की नदी में तुम प्यार से बह जाना, मिल जाएगा कभी
ऐसे खेलो छक्के छुड़ा देना, अरे दुश्मनों के दिल को एक पल में चुरा लेना। सभी लोग घर पर हैं यार। क्यों भाई, कोई भी घर पर आता है तो खाना खाने में ही व्यस्त हो जाता है। अरे भाई इन्हें डांटिए मत, मैंने ही इन्हें खाना खाने के लिए कहा है। क्यों भाई, मुझे डोसा नहीं खिलाओगे? बेटी अमीना, मास्टर जी के लिए भी डोसा ले आओ। लाती हूं अब्बू। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। जा जा जा, अरे भाई जा। अरे भाई तुम लोग जा रहे हो? मैं स्टेशन पे ही मिलता हूँ। चलो अंदर चलो, बात करनी है। हाँ चलो। ये लो, मास्टर जी ने दिया है। सच बताइए नारायण जी, आपने दिया है? ये लो, पूरे 50,000 रुपए हैं। और ये पैसे वहाँ कंपनी में देने हैं, आखिरकार वहाँ रहने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। ये लीजिए लीजिए। मास्टर। कुछ नहीं उस्मान भाई, ये पैसा हमने किसी को लूट कर नहीं कमाया है, समझो तुम्हारा ही पैसा है। वैसे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम ये भी कर सकते हैं, छीन कर भी ला सकते हैं। अमीना, डोसा नहीं बना क्या? बेशर्म कहीं। अरे इतनी देर क्यों लगा रही हो? जी अंकल, बस डोसा तैयार हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले से इडली सांभर खा के आया हूँ। तुम्हारी माँ अंदर दुखी है, तुम जाके उसे संभालो। जाओ जाओ। हाँ बेटी, अम्मी रेलवे स्टेशन चलेगी ना? अगर वो वहाँ जाएंगी तो बहुत रोएंगी। क्या माँ, अब तुम रो क्यों रही हो? रो मत माँ। किसने कहा मैं रो रही हूँ? बशीर कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा? वो अपने घर चला गया है, स्टेशन पर ही मिलेगा। आप चिंता क्यों कर रही हो माँ? देखो मेरी तरफ देख कर हंसो। तू भी ना। ए, माँ बेटे यहीं टाइम पास करोगे तो उस टिकट से मैं मुंबई चला जाऊंगा। चलो। हेलो नारायण भाई, बैग लेके भाग जाएंगे क्या? ए, तुम शराब पीकर आए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? हाथ पकड़ो। ए, रुको रुको रुको, पहले मुंबई जाने वालों को आने दो, बाद में आप लोग आओ। ऐसा नहीं है भाई, पहले हम आएंगे उसके बाद सब आएंगे। ऐसा क्यों, बाद में सब क्यों आएंगे? आप पहले आएंगे, ये सब बोलना कहाँ से सीखा? मास्टर जी ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। चलो चलते। संभाल के संभाल के। चलो बेटा। हाँ चलो। अरे पानी ले लिया कि नहीं? ये किस लिए भाई? चाचा आप यहाँ आइए। अरे उठो भाई, जगह दो। अरे हमारा रिजर्वेशन है। चाय ग्राम, चाय ग्राम, इलायची वाली चाय, ग्राम रुपए में दो, चाय ग्राम गरम समोसे, इलायची वाली चाय। भाई चलता हूँ। मदीना, नारायण सेठ घर पर है क्या? चल भाग यहाँ से। मजनू है तेरा। अंकल सुनिए, मेरे लिए कोई फोन आया था क्या? हाँ मुंबई से फोन आया था, वो फोन करेगा, रुकिए।
अरे अमीना बात करेगी, इसमें तुम्हारा क्या काम है? चाचा एक फोन कर लो। लड़की आई तो फोन करने आता है, चल भाग यहाँ से। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे? चल भाग यहाँ से, पागल कहीं का। हाँ बेटी तुम्हारा ही फोन होगा, उठा लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है? हाँ मदीना। अच्छा बच्चू, बहन से बात नहीं करेगा क्या? उसको देती हूँ या फोन? रखना मत, फोन मत रखना। एक लड़की तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कब से यहाँ इंतजार कर रही है। ये लो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। अबू। क्या है बेटी? शाहजहां आ गया है। मैंने दोपहर को फोन किया था तो किसी ने नहीं बताया। वो अभी अभी तो आया है। वो लोग यहाँ क्यों आए थे? वो लोग शाहजहां से मिलने आए थे, बोल रहे थे कि मुंबई में उसके साथ काम करते हैं। शाहजहां कहाँ है? आते ही उसने कहा कि उसे सरदर्द है, बिस्तर पर लेटा है। बेटा शाहजहां, क्या हुआ बेटा? सर में दर्द है बेटा, क्यों जल्दी आ गया? कुछ तो बता बेटा, बात क्या है? ऑफिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसलिए तू जल्दी आ गया हो? ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी मिली है इसलिए। ठीक है सो जा सो जा। सुभान अल्लाह। शाहजहां। हाँ बेटा, जहां तुम काम करते हो वहां पर तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अबू ऐसी बात नहीं है, दिन में सो गया था इसलिए रात में नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें वहां कोई तकलीफ हो तो छुपाना नहीं। तुम्हारे भरोसे पर ही 3 बहनें हैं, हम खर्च चला नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे घर से जाने के बाद मन नहीं लगता है, लेकिन तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना बेटा। कोई भी समस्या हो मुझे बता देना। नहीं अबू कोई समस्या नहीं है। जाओ सो जाओ बेटा। इस बार तुम्हें मुंबई भेजने को मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है बेटा। क्यों अबू? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा, तुम्हें कैसे बताऊं? चिंता मत कीजिए अबू, कुछ नहीं होगा। मास्टर जी सभी लोग यहाँ आ गए, शाहजहां के बारे में कुछ पता चला? यहाँ आओ सब बताता हूँ। कहीं जाना है क्या? हम लोगों को उस किनारे तक जाना है, वहाँ कुछ काम है। चलो आओ बैठो। ठीक है चलता हूँ। आओ संभाल के। वैजयनगरी फ्लाइट IC 493 को औरंगाबाद में रोका गया, फिर बॉम्ब निकाला गया।
ये सब क्या हो रहा है मास्टर जी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये टीवी वाले जो बता रहे हैं वो झूठ भी हो सकता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। नहीं भाई, ये तो अभी वहाँ किस तरह का माहौल है। आलपुल्ला के गुंजु मोहम्मद जो विदेश में काम करते थे, उनका बेटा मोहम्मद शाहजहां तो मारा गया है पिछले। अरे ये तो मेरा बेटा शाहजहां कुंजु है। इसका कहना है पुलिस की छानबीन जारी है। बम विस्फोट का मास्टर जी पोचमपल्ली में रहता था और वो साड़ी के कारखाने में काम करता था। पिछले साल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारा गया मोहम्मद मुशर्रफ से उसकी संबंध थी। मोहम्मद मुशर्रफ जो कि एक आतंकवादी संगठन का चीफ था और इसके विरोध में पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट से बात नहीं करनी चाहिए, आप जरा बाहर जाइए, मुझे एक इंजेक्शन देना है। नमस्कार, आज की ताजा खबरें। कोयम्बटूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 46 लोग मारे गए हैं। शहर में 3 जगह हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से नगरवासी भयभीत हैं। कोयम्बटूर बस स्टैंड और मेडिकल कॉलेज के पास 4 जगहों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अभी तक कई मरे हुए व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है। केला की एक भीड़भाड़ वाली जगह पर विस्फोट हुआ है, बच्चों को मिलाकर कुल 20 लोग गायब हैं। कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है, पुलिस और मिलिट्री फोर्स सुराग ढूंढने में लगी हुई है। हेलो हेलो, मैं बगल के सब्जी वाले बशीर का जीजा बोल रहा हूँ, क्या उनसे बात करा सकते हैं? आप कौन बात कर रहे हैं बताइए। मैं उनका पिताजी की कंडीशन सीरियस है, आपको डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है। यहाँ पर कुंजू मोहम्मद का रिलेटिव कौन है? मैं हूँ। हाँ, ये दवाइयाँ मेडिकल से लानी हैं। मोहम्मद बिल्ला कहाँ है? मोहम्मद बिल्ला, इसी नाम से पुकारते हैं ना उसे? बिल्ला,
बिल्ला। इस नाम से आप उसको जानते हैं ना? समीर, ये बिल्ला अभी कहां है? बिल्ला कहां है समीर? मैं तुमसे जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं, सच में नहीं जानता। झूठ बोल रहा है कमीने। फिर तूने कोयम्बतूर से फोन क्यों किया था? तीन बूथ से फोन किया था तूने। अमीना, वो पोलाची गए हुए हैं। ठीक है, सर कुछ पूछ रहे हैं ना, कोयम्बतूर में फोन क्यों किया था? वो क्या है ना, उसके पिताजी बीमार हैं। समीर तू झूठ बोल रहा है, तूने कहां कहां बम रखा है बता। मैं कसम खा के कहता हूं मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी पत्नी के भाई से बात कर रहा था। तो जब पुलिस ने फोन उठाया तो तूने कट क्यों किया? देखिए मैं उनके बारे में ये बताना चाह रहा था कि पिताजी की कंडीशन सीरियस है, आपको डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदानंद सबके लिए समीर बना था। चलो मैं आता हूं। चलो चलो चलो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कुछ खाते कैसे हैं? आओ बेटा, ठीक है ना? आओ आओ, ठीक हो ना? बहुत इतने दिन हो गए तुम्हारे, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। कैसे हो? ठीक हो ना? अब क्या करें, मिलने भी तो नहीं आ सकते, दूर रहते हैं। जब भी आ जाते हैं कितने से मिल लेते हैं। बेटा अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, ये पूरे साल तुमसे नहीं, मैं यार ठीक हूँ, सब ठीक है, आज भी ठीक है, खाना मिल जाता है, समझ गया, सब कुछ ठीक ठाक है। आप मेरे पति का हैं, कुछ दोस्त भी अच्छे बन गए, घर की चिंता बिल्कुल मत, कुछ दिनों की तो बात है, छूट जाएगा, तो हम लोग सब साथ में रहेंगे। मैं खबर कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? चलो चलो, ज्यादा भीड़ मत करो। तुम उसे आकर दोबारा मत मारना, वरना फिर से हो जाएगी। वहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। तो यहाँ पर बहुत नाटक दिखाते हैं। बच्चे को बाहर दे, समय खत्म होने आ रहा है, चलो। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सबको हटाओ ना वहाँ से, यहाँ पर भीड़ लगी है। कुत्ते कमीने, तूने मेरा परिवार खत्म कर दिया। तू बाहर निकल, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे तू बाहर आ जा, तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा।
तूने मेरे भाई को मरवा दिया कमीने। क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो वजी, चलो। क्या इसकी वजह से मेरा भाई मर गया, इसे कैसे माफ कर सकता हूँ मैं? मैं तो इसके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि आपने मेरे भाई को मरवा दिया? मास्टर जी ने बताया आप नहीं थे, पर सब शहर के लोग, समाज वाले, पुलिस वाले सब यही कहते कि आप ही थे, आप ही ने मेरे भाई को मरवा दिया। बताइए, बताइए, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ, बताइए, बताइए ना, क्या आप ही मेरे भाई के कातिल हैं? अगर ये सच था तो आपने अब्बू को क्यों नहीं बताया, मुझसे भी नहीं कहा? आखिर आपने ऐसा क्यों किया, बताइए मुझे। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी अपनी जिंदगी में चैन से नहीं रह पाओगे। समीर, तुम्हारी पत्नी के साथ जो मोटा आया था वो तुमसे इतना नाराज क्यों है? वो मेरी साली का पति है। मेरे ससुर जी पिछले ही महीने गुजर गए थे। वो आदमी कमा के दो परिवारों को पालता है और मेरी बेटी को भी खाना खिलाता है, इसलिए उसकी नाराजगी जायज है। इसमें क्या गलत है बताइए? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। वो इस जन्म में मुमकिन होगा या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो मेरी मां की तरह दिखती है। तुम्हारे गांव के कुछ लोगों ने तुमसे मिलने के लिए कहा है। बेल पेटिशन, पेरोल पेटिशन सब तैयार करवा के ले आएंगे। तुम उनसे सब साफ साफ बता देना, वो लोग तुम्हारा कुछ भला कर देंगे। मेरा सब कुछ खो गया सर, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब खो गया। मैं अपना दुख किससे बताऊं? कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा सर। मैंने एक आदमी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से शाहजहां मारा गया। उसी के प्रायश्चित के लिए मैंने अपना जीवन दान देके धर्म बदल लिया और भरोसा किया कि वो लोग मेरा यकीन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोयंबटूर शहर में मैं कभी नहीं गया सर। किसी एक आदमी या दो तीन आदमियों के गुनहगार होने से सारा समाज गुनहगार नहीं हो जाता, ये बात आज नहीं तो कल सारी दुनिया को समझ में आ ही जाएगी। मैं अपना परिवार और अपनी जिंदगी अपने पसंद से नहीं जी रहा हूँ, यही सच है। समीर की इन सब बातों पर राष्ट्रपति यकीन करेंगे, इस बात का मुझे भरोसा नहीं है। ये अपराधी साबित नहीं हुआ है। एक आदमी को 3 साल से कैद करके रखा गया है, ना उससे पूछताछ हो रही है, ना उससे सजा हो रही है। बताइए, ये कहां का न्याय है? मैं अपने दुख की कहानी किससे बताऊं सर? कल मैं बेगुनाह साबित हुआ तो वो मुझे रिहा कर देंगे, पर मेरी खोई हुई जिंदगी कौन वापस करेगा सर? अगर मैं गुनाहगार हुआ तो कोई भी सजा काटने को तैयार हूं, पर मेरी गलती क्या है सर? मैं अपना नाम बदल के दुखी नहीं हूं सर। क्या सदानंद से समीर बनना ही मेरा गुनाह है बताइए? मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी बेटी सब मुझसे अलग हो गए सर। पिछले महीने मैं मद्रास के अयप्पा मंदिर में रहता था। गांव से आदमियों के वापस आने के बाद वहां से मैं निकल गया, इसीलिए जा रहा हूं। आपको पोचमपल्ली का एड्रेस किसने दिया था? मद्रास में एक फ्रेंड ने दिया, उसके पहचान वाला कोई पोचमपल्ली में रहता है। ये जगह दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती है, यहाँ का मौसम अलग है। गर्मी है तो बहुत गर्मी, ठंड है तो बहुत ठंड। सुनिए, मैं एक दिन पोचमपल्ली जरूर आऊंगा। ठीक है।
मेरी बात मानिए, एक लड़की ढूंढकर शादी कर लीजिए। जीवन के सुख दुख में साथ देने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, आप ज्यादा सोचिए मत। अगर आप हाँ कहें तो यहाँ एक लड़की से मिलाता हूँ। आप तो मिला देंगे, पर उसे भी तो राजी होना चाहिए। बस सुनो गौरी, इस आदमी को पोचमपल्ली के चाय की दुकान वाले रविंदर जी से मिलना है। कोई बात नहीं सर, हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये लड़की तो तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाइए। यहाँ कोई मर गया है क्या? अरे नहीं जी, दुल्हन को लिवाने आए हैं। अब दिखने में तो बड़े पूजा पाठ वाले लगते हैं, इसलिए मैं अपनी स्कूटी पे बैठा कर तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन तुमने मेरी कमर को क्यों छुआ? नहीं, अचानक ब्रेक लगी, इस वजह से पकड़ ली। अगर मैं ब्रेक मारूंगी तो क्या तुम मेरे कमर को पकड़ोगे? बता तो तुम कहाँ से आए हो? मैं मलयाली हूँ, काजरकोडे से केरला स्टेट का हूँ। रवि भैया, ए रवि भैया। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ना रवि, अरे जाने दीजिए ना। भैया यहाँ नहीं है, तू जाकर वासु भैया को बुला लिया। हाँ वासु भैया, वासु भैया, हमारे गांव से मलयाली स्वामी जी आए हैं। अच्छा चलो 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 चलो। हाँ ए भाई, 2 घंटे में माल रेडी करना है, मैं आता हूँ। अपने लड़के को भेज दिया है ना, मैं वहां जाके मिलता हूँ। हेलो मलयाली स्वामी जी, आप हमसे पूछ रहे थे ना कि मैं राजी हूँ या नहीं, तो सुन लीजिए, मैं राजी हूँ, आप अपना वादा मत भूलिएगा। हिंदी भी जानती हो? नमस्ते स्वामी जी, सुधाकर ने बताया था। नहीं मैं सदानंद, वो क्या है? वही सुधाकर ने मुझे बताया था कि सदानंद आप ही हैं। मेरा नाम वासु नायर है, चलिए घर चलते हैं। मालती ने बताया कि फिल्मी एक्टर की तरह एक आदमी अपने होटल में आए हैं और वो दिखने में बहुत स्मार्ट है, तब मैंने सोचा कौन हो सकता है, इसलिए मैं आई। तुमने क्या सोचा था? अपने स्वामी जी बहुत सुंदर है। शालिनी। हाँ माँ। सुनो बेटी शालिनी, ये स्वामी जी अपने यहाँ आए हैं, ये लो खाना परोसो, तुम्हें ने बनाया है ना? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ए शालिनी, स्वामी जी को भी परोसो। हाँ माँ। मेरी बड़ी बेटी ने आप ही की तरह एक स्वामी जी से शादी की है, वो कवियुर से है, उनका एक होटल भी है। वो स्वामी जी एक बार पूजा कराने आए थे, तभी मेरी बड़ी बेटी से प्यार हो गया और शादी भी हो गई, और खुशी की बात यह है कि अब उन्हें एक प्यारा सा बच्चा भी है। अरे तुम देख क्या रही हो, खाना परोसो ना। अरे मेरी बड़ी बेटी पोता दामाद, आइए आइए। अरे स्वामी जी, इसका नाम रवि है और हम लोग प्यार से इसे रवि स्वामी बुलाते हैं, कानूर का रहने वाला है। अरे ये स्वामी जी है, इसे अपने सुधाकर ने भेजा है। नहीं नहीं उठो मत, खाना खाते वक्त महाराजा भी आ जाए तो नहीं उठना चाहिए। सेठानी जी थोड़ा सा सांभर और दीजिए ना, क्या स्वाद है खाना, सचमुच इसी को कहते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना है कि खाते ही रहो। हाँ हाँ स्वाद वाला खाना है तो खाते ही रहो, उठने की क्या जरूरत। 10 रुपए में घी और दही भी देता हूँ, कल से तुम यही खाना खाना। अरे स्वामी जी पूरा एरिया में सिर्फ इसका मलयाली होटल ही मशहूर है, बाकी सब कचरा पट्टी है। स्वामी जी आपका जन्म स्थान कहाँ है? कासरकोडे है। ये तो कमाल हो गया, हमारा गाँव भी कासरकोडे की तरह ही है। अरे अरे कासरकोडा क्या बुरा शहर है? वो क्या है ना, मेरी पैदाइश कासरकोडे में हुई है, पर मैं देश के बहुत सारे शहरों में घुमा हूँ ना। घर में कौन कौन है? मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे, मेरे मौसा मौसी गांव में हैं। अरे तुम अपने हाथों से आके दो ना। तुमने क्या स्वामी जी के लिए मीठे में गुलाब जामुन बनाए हैं क्या? अच्छा अरे तो वहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से गुलाब जामुन लेके आ जाओ। सेठानी जी आपका काम तो हो ही जाएगा। क्यों भजा? स्वामी जी आने वाले त्योहार की रिहर्सल चल रही है। हाँ तो क्या हुआ?
अच्छा अरे बाप रे स्वामी जी, आपने सचमुच इन सब का हाथ देखा था क्या? जैसे कमल हसन, मोहनलाल, रजनीकांत। हाँ, ये मेरा साइड बिजनेस है। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? वहां जाके काम कर, ये आपको पागल कर देगा स्वामी जी। वासु भैया, स्वामी जी को आम आदमी मत समझना, ये देखिए। अरे ये क्या है, है? अरे ये तो कमाल की तस्वीर है। सुधाकर ने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं था मुझे। जो सीखा था वो भूल ना पाऊं इसलिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि यहाँ के लोग हाथ दिखाने में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन स्वामी जी को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी ना। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, तुम लोग भी इस काम में स्वामी जी की मदद करो। खैर छोड़िए, इस काम के लिए घर कैसा रहेगा? भैया वासु के लिए इनविटेशन आया है। दो बेटी, महर ज्योति त्योहार के लिए अपने गांव से इनविटेशन आया है। कितनी प्यारी ये दुनिया, जिसने बनाई ये दुनिया, उसके दिल को दुख दे कर ना कर देना टुकड़े। बर्बादी रोक ले तू, हो जाए तुझ पे करम, इंसानों के लिए तेरे दिल में हो रहम। कितनी प्यारी ये दुनिया, जिसने बनाई ये दुनिया, उसके दिल को दुख दे कर ना कर देना टुकड़े। खुशियाँ जहाँ की प्यार में दे दे, तेरा सफर कटे ना कभी भी अकेले। क्या कहती है किस्मत रे, होगा क्या आगे ये किसने देखा। कैसे जीवन जीना है ना जाने क्या करना है, हमको भगवान तुम ही बताओ कैसे आगे बढ़ना है। कैसे जीवन जीना है ना जाने क्या करना है, हमको भगवान तुम ही बताओ कैसे आगे बढ़ना है। प्यार धर्म के जैसा प्यार खुदा है, इंसान है एक जैसे फिर क्यों ये जुदा है। बिल्कुल समझ ना आता क्या माजरा है, हर लम्हे में उसने क्या जादू भरा है। कितनी प्यारी ये दुनिया, जिसने बनाई ये दुनिया, उसके दिल को दुख दे कर ना कर देना टुकड़े। नमस्कार, अभी हम भारत देश की प्रसिद्ध जगह पोचमपल्ली में खड़े हैं, जिसने इतिहास बनाया है। सन 1956 में पहली बार यहाँ की कॉटन साड़ी प्रसिद्ध हुई थी। यहीं से प्रेरित होकर अंदरामल्लू में सिल्क के कीड़े से सिल्क की साड़ी बनी थी। ये दोनों ही जगह की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसी कॉटन साड़ी की प्रसिद्धि की वजह से पोचमपल्ली का नाम पूरे देश में विख्यात है। यहाँ की साड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? साड़ी के बारे में क्या बताऊँ, यहाँ की साड़ी बहुत पहले से प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं, आप नहीं जानते? शुरू से इसका क्या मतलब हुआ, ये बिजनेस आखिर यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ स्वामी जी? वो स्वामी जी, आपको यहाँ आए कितना समय हुआ? सिर्फ एक महीना। अरे ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग ये कैमरा बंद करो, ये प्रेस वाले आए, तोड़ दूंगा नहीं तो। क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के बारे में न्यूज़ बनाकर टीवी पर दिखाएंगे। चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 70 हैंडलूम फैक्ट्रियां हैं। मासू भाई, यहाँ बनी साड़ियों में सबसे महंगी साड़ी की कीमत क्या होगी? 5,000 से 16,000 तक के रेंज की साड़ियाँ और कपड़े यहाँ बनते हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी की। मेरा नाम दिवाकर है, 30 साल से इस गांव में काम करता हूँ, कवियूर का रहने वाला हूँ। भाई कमाल की जगह है ये तो, ऐसा देखा नहीं। इसकी रिपोर्टिंग तैयार हो जाएगी तो खतहल का मचाएगा। पकड़ इसको, क्या कर रहा है? फोटो निकल गया है। छोड़, इसको वापस आए तो पकड़, छोड़िए, जान से मार दूंगा। गलत बात है कि आप रोक रहे हैं। देख कैमरा, इसका अंजाम बहुत खराब होगा। छोड़ मत इसको, क्या कर रहे हो? भागो, पकड़ो, अरे भाग के निकलो, ए रुक, ए रुक जा, भागता किधर है? भागता कहां है? स्वामी जी, वहाँ अभी और रघु कैमरे वाले से झगड़ा कर रहे हैं, जल्दी चलिए। चलो अभी और रघु शहर में घूम रहे हैं। टीवी वालों के पैर पकड़कर पुलिस केस बनने से बचाना चाहिए। यहाँ के एमएलए से आपकी बहुत अच्छी पहचान है। स्वामी जी, वहाँ आपके जाने से ये सब क्या हो गया? अगर कहीं कुछ हो जाता तो? भलाई करने के लिए कीचड़ में हाथ तो डालना ही पड़ेगा मुझे। उन लोगों को आने दो, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। चलो अंदर चलो, बात करनी है। हाँ चलो चलो। ये लो, पूरे 50,000 रुपए हैं, और ये पैसे वहाँ कंपनी में देने हैं। ये लूट का पैसा नहीं है, वैसे अगर हमें जरूरत पड़ती ना तो हम तुम्हारे लिए पैसा लूट कर भी ला सकते थे। हे, क्या कर रहे हो? डोसा नहीं बना क्या? तू भी ना। दो मिनट रुक जाएंगे, अभी डोसा तैयार हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले से इडली सांभर खा के आया हूँ। तुम्हारी माँ अंदर दुखी है, तुम जाके उसे संभालो। जाओ जाओ। हाँ बेटी, तुम्हारी अम्मी भी रेलवे स्टेशन चलेगी क्या? वो स्टेशन जाएंगी तो रोएंगी। और भी लोग रेलवे स्टेशन आने वाले हैं। बड़ी बेटी अमीना, वो भी वहाँ स्टेशन पर छोड़ने के लिए आएगी। तू भी ना। ए,
माँ बेटे यहीं टाइम पास करोगे तो उस टिकट से मैं मुंबई चला जाऊंगा। चलो। Excuse me. Thank you. संभाल के। ठीक है। अरे सज्जू। अरे भाई। रख ले। लेकिन किस लिए? अरे रख ले, काम आएंगे। सॉरी सॉरी। तुम भी मेरे साथ मुंबई चलोगी ना? क्यों? फिल्म देखने के लिए। कहाँ उतरना है? मुंबई उतरेंगे। ये किसका है बैग? मेरा नहीं है। यहाँ एक आदमी बैठा था, ये उसका बैग है, अभी बाहर गया है। सुखदेव, तलाशी ले लो सब जगह की। देखिए, आप लोगों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। हैवी एक्सप्लोसिव आरडीएक्स के साथ दो लोग जयंती जनता एक्सप्रेस से जाने वाले हैं, ऐसी सूचना हमें मिली थी, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दी और तलाशी ली। आप कहां से गाड़ी पर सवार हुए? सर, मैं केरला के चंगनाचेरी से बैठा था। हमें जिस कपल पर शक था, क्या वो लोग इस बैग के साथ उस ट्रेन में सवार थे? हाँ सर, बैठे तो थे, वही लोग थे, और ये बैग भी होनी का ही है। आप अपना नाम और एड्रेस लिखवा कर जाइए, जरूरत पड़ने पर आपको बुलवाया जाएगा। आप केरला में कहां से? केरला के आलपुला से। मेरा गांव मुनपिया पल्ली है। आप आगे जाइए तो गली मिलेगी, वहां से सीधा जाइए। एक मिनट, यहां से शॉर्ट का रास्ता है। ए राम भाई, ये लक्ष्मी कंप्यूटर सेंटर जवेरी बाजार में है ना? अबे तू क्या कंप्यूटर सीखने जा रहा है क्या? अरे नहीं भाई, ये गांव से काम के लिए आए हैं, रास्ता पूछ रहे हैं। अरे ये गली से भी जा सकता है। आज काम पर जा रहे हो ना, वो पैर ऊपर रखो। अरे उस पैर को ऊपर रखो ना। मेरा जूता है जापानी। अरे इधर आ, इधर आ। जी पिताजी। ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है,
सुनो, ये अपने केरला से आया काम के लिए। अरे अपना नाम बताओ बेटी। जय श्री। देखा है पहली बार साजन की। ये लीजिए, इस गली से चले जाइए। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। चलो आगे जल्दी चलो। हेलो भाई साहब, मैं शाहजहां बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं अभी 5 मिनट के बाद वापस फोन करता हूँ। मदीना को कॉलेज जाते वक्त रुकने के लिए बोल दीजिए। हाँ। ताजा खबर। जयंती जनता में हाईली एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, मंत्री ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। ताजा खबर। रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा। ताजा खबर। आज की ताजा खबर। कैसे दिए पंजाबी सूट? पता नहीं। हाँ तुम्हारा ही फोन है, उठा लो। हाँ हाँ हेलो। हाँ मदीना। अच्छा बच्चू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रखना मत फोन, मत रखना। एक लड़की तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कब से यहाँ इंतजार कर रही है? हेलो। हाय, आपने अभी ज्वाइन किया है ना? यस yes. आप कैबिन सी में जाके अपने सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करा लीजिए। ओके okay. ठीक है। सर आपके लिए फोन है। तुम्हारे लिए फोन है, बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम शाहजहां हो ना? हाँ। तुम्हारा पर्स हमें मिला है, तुम आगे पहचान बताओ तो दे दूंगा। सफदर बाजार में दाएं हाथ में एक मस्जिद है, मस्जिद के बाएं हाथ में एक पतली सी गली जाती है, वहीं कोने में एक किताब की दुकान है, उसका नाम तकबीर बुक स्टॉल है।
वहाँ एक आदमी मिलेगा, उसका नाम अफजल भाई है। भाई से पूछोगे तो यहाँ आने का रास्ता बताएगा और आप हम तक पहुँच जाएंगे। एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि शेर क्यों जंगल का राजा होता है? कौन है? अपने आदमी शाहजहां को यहां लेके आए हैं। बैठो सज्जू। हां तो मां ने जवाब दिया, बेटा सुनो, शेर को अल्लाह ने बलिष्ठ शरीर, चाकू जैसे दांत सब देकर राजा जैसा बनने लायक बनाया है। लेकिन अभी उसकी शंका दूर नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, मां हमें क्यों इतने ऊंचे पांव, इतना बड़ा पेट और इतनी ऊंची पीठ दी है? मां ने कहा, बेटा हम तो रेगिस्तान में रहने वाले हैं ना, रेगिस्तान में रहने के लिए ऐसा ही रूप होना चाहिए। फिर उसने यह सुनकर बहुत निराश होकर बोला, मां ऐसा है तो हम यहां क्यों हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, वो मां और बच्चा एक सर्कस शिविर में थे। हम जैसे भारत के मुसलमानों का हाल भी ऐसा ही है। एक सर्कस के जानवरों की तरह हम जीवन बिता रहे हैं। हमें आजादी चाहिए। बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर, बोलो तकबीर। बारामुल्ला के पास मैं कहीं आया था बचपन में, मुझे आज भी वो सब अच्छी तरह से याद है। वहां के सिनेमा हॉल में फिल्म देखी और फिल्मी डायलॉग सुने थे जो मुझे अभी तक अच्छी तरह याद हैं। वहां पे किसी के घर के पास फौजी हो सकता है। शी इज अ टेररिस्ट। मैं जिस ट्रेन में आ रहा था ये भी उसी में आ रही थी। इसके बैग में पुलिस को एक्सप्लोसिव मिला था। आई नो हर, शी इज अ टेररिस्ट। सर ये टेररिस्ट है सर। टेररिस्ट, टेररिज्म, कौन है ये टेररिस्ट? क्या है टेररिज्म? यासिर अराफात और नेल्सन मंडेला एक जमाने में अमेरिकन पुलिस की क्रिमिनल लिस्ट में टेररिस्ट कहे जाते थे, लेकिन बाद में समाधान के लिए दोनों को नोबल प्राइज मिला था। 1930 और 1940 में फिलिस्तीन के लिए लड़े गए युद्धों को अमेरिका ने आतंकवाद बताया था, पर बाद में उन्हें आजादी के लिए लड़ने वाला युद्ध कह दिया। सज्जू, कुवैत में खारे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता था। इराक में हमारी बहनों की इज्जत बाहरी लोगों ने ना जाने कितनी बार लूटी और हम कुछ ना कर सके। हमें भी मरने के बाद ऊपर हिसाब देना है कि जब ऐसी वारदात हो रही थी उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे। मैंने अपने राज्य में इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी। कश्मीर अपने देश में नहीं रहा, फिर भी वहां मारे गए लोग और सताए हुए लोग सभी तो अपने भाई हैं ना। कश्मीर तो अपने इंडिया में ही है, ये मुझे पता है। साले तेरे को पता है तू किससे बात कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ो मुशर्रफ, जाने दो मुशर्रफ। छोड़ो, साले बचेगा नहीं मेरे हाथ से तू। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे एक मिनट। मुशर्रफ, ये सब क्या है मुशर्रफ? शज्जू की बात 6 दिसंबर से पहले मैं मान सकता था, लेकिन अब हमें दुनिया को दिखाना होगा। सज्जू, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूं, पर तुम्हें बाद में बुलाऊंगा, तुम आना जरूर। हेलो सर, यू हैव अ कोड, प्लीज कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ शाहजहां, मिलना चाहता हूँ, क्या तुम इधर आ सकते हो? सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ।
शाजा है? वो तो अस्पताल गया है। क्या अस्पताल? हाँ अस्पताल। चाबी दे देना। हाँ ये चाबी रखो, फटाफट चला। हाँ ए चल रुक, अपना आरसे बुक देखा? उसके अंदर जल्दी ये लो, उधर जा, साहब उधर है। नाम क्या है? शाहजहां। रघु कौन है? ये है। तू है क्या? मैं हूं। ये लो, ठीक है जाओ। जी साहब। क्या है ये सब? ठीक है भाई, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है। सर नमस्ते। सर आज आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। आज थोड़ी देर हो गई। साहब आज जयश्री का जन्मदिन है। हाँ हाँ साहब, आज ये 7 साल की हो गई है। बेटी मिठाई खिलाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लो। थैंक्स। अच्छा ठीक है साहब, नमस्कार। अबे तेरा स्कूटर रॉन्ग साइड पे खड़ा है। साजू, इस आजादी की लड़ाई में हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। शाहजहां के स्कूटर में रखा गया बम फट गया है, 17 लोग मारे गए हैं। कंग्रेचुलेशंस।
अब शाहजहां और उसके परिवार वालों को संभालना हमारा फर्ज है। अरे भाई, 13 जगहों पर एक साथ बम विस्फोट हुआ है, ए? इसके पीछे कौन हो सकता है? अमी, देखो सज्जू आ गया। या अल्लाह, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? इतनी जल्दी कैसे आ गए? 4-5 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी मिली है, इसलिए यहाँ आ गया। तुम लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा है क्या? मुंबई में कई जगहों पर बम विस्फोट हो गया है। तुम्हारे ऑफिस में बम विस्फोट तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं माँ। ये लो बेटा, ये काली कॉफी है, गर्मा गर्म पी लो इसे। ये लोग कौन है? अस्सलाम वालेकुम, हम सज्जू के साथ बॉम्बे में काम करने वाले हैं। सज्जू को जरा बुलाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सज्जू, परसों के लिए ट्रेन में 3 टिकट बुक की है एर्नाकुलम से। और एक बात, प्रोफेसर ने खास करके बोला है इधर किसी को कुछ बोलने का नहीं है, मुंबई में मिलेंगे। हाँ, और एक बात, खबरी बन के बचने की कोशिश मत करना, फिर यहाँ पर घर नहीं बचेगा, बाप माँ भाई इंशाल्लाह। क्या बात है बेटा, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं, दिन में सो गया था इसलिए। आखिर बात क्या है बेटा, मुझे बताओ। तुम्हारे भरोसे 3 लड़कियों की जिंदगी है, अभी तक उधार नहीं चुका है, ऐसी कौन सी बात है बेटा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए। इस बार मुझे तुम्हें मुंबई भेजते हुए बहुत फिक्र हो रही है, अपना ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज। मैं बहुत डर गया था कि आगे आप अपने माँ और पिताजी से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरी पढ़ाई के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, लोगों से कर्ज भी लिया था, मेरे माँ पिताजी चिंता करने लगे थे। मेरे बारे में अगर आप सरकार को बता दें तो वो आपको 2,00,000 रुपए इनाम में दे देगी। आप मेरे बारे में बता दीजिए और इनाम के पैसे मेरे घर वालों को दे दीजिए, उससे वो लोग खुशी की जिंदगी जी लेंगे। कैसी बात करते हो सज्जू, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका समाधान भी होता है, बस जरूरत है समाधान ढूंढने की। मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, वहां जाके तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा और उन्हें सारी बातें साफ साफ बताऊंगा, फिर कोर्ट पुलिस देखेंगे, किसी न किसी तरीके से सच्चाई सामने आएगी। हमें अपनी कोर्ट और पुलिस पर भरोसा है। हमारे देश का कानून ऐसा है कि अगर 1,000 गुनहगार बच भी जाए तो भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? अब तो मुझे सिर्फ आप बचा सकते हैं स्वामी जी।
नाम क्या तेरा? राम बाबू। क्या है इसमें? किधर जा रहा है? गांव जा रहा हूं साहब। का नाम क्या है? सदानंद है। ओ, केरल से हो क्या? हाँ सर। सदानंद घर काजरकोड में। मेरे बड़े भैया काजरकोड में कलेक्टर थे। बड़े भैया बोले तो मेरे चाचा का लड़का, करीब 3 साल पहले था। सदानंद, ये पुच्चमपल्ली आए कितने दिन हो गए? 1 महीना हुआ। तो फिर ये शाहजहां? सर वो बेगुनाह है, मैं सच कह रहा हूं। उससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। मैं गांव में शहर में सभी लोगों से मिला हूं, सभी ने ये कहा कि वो बेकसूर है सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, उसने मुझसे सारी बातें बताई हैं, घर के बारे में, गांव के बारे में और अपने सभी रिश्तेदारों एवं सगे संबंधियों के बारे में। यहां तक कि सर मुंबई में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी सब कुछ साफ साफ बताया है सर। उसके घर वाले बहुत परेशानी में हैं सर। मैं सब जानता हूं सदानंद, उसके हर बात हम सब जानते हैं, इसलिए हम उसे बचाना चाहते हैं, पर उसे भी तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। सर आप जो भी कहेंगे मैं उससे बोलकर आपकी मदद करवा दूंगा। सर मैं आपको भगवान की तरह समझता हूँ, आपको छोड़कर मैं किसी और पर विश्वास नहीं करता हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। भैया वो देखो हेलीकॉप्टर। Thank you.
सच्चू। मुसलमान समझकर आपने धोखा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। Hey, get up. छोड़ो मुझे। Come on, get up, get up. टूटे अफसाने किसकी मर्जी ये खुदा जाने।